पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन ऐसे प्रदेशों में होते हैं जहां साल भर गर्मी रहती है और अधिकांश महीनों में वर्षा भी होती है। वर्षा की मात्रा प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहां पेड़ों के पोषण और वृद्धि के लिए साल भर गर्मी और नमी मिलती है। यहां के वन बहुत घने होते हैं और उनमें अनेक तरह के पेड़ पौधे लताएं, पेड़ों पर उगने वाले पौधे आदि होते हैं। ये साल भर हरे रहते हैं क्योंकि पत्ते झड़ते ही उनमें नए पत्ते आते हैं। इन वनों में जानवर बहुत मिलते हैं। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तक सीमित हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पति है बांस, बेत, जामुन, गुर्जन, सेमल, कदम, हल्दू, शीशम, आम आदि। दूसरा, मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी वन भारत के विशिष्ट वन हैं। हमारे देश के लगभग 70% वन इस प्रकार के हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां गर्मी भी पड़ती है और साल के कुछ महीने ही वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है, यानी न बहुत कम न अधिक। इन पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। ये पेड़ गर्मी के सूखे दिनों में नमी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पत्तियों से होने वाले वाष्पीकरण को रोका जा सके। बाद में इनमें फिर से पत्तियां निकल आती हैं। सूखे महीनों में पत्तियां झड़ने के कारण इनको पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। हमारे राज्य में अधिकांश वन इसी श्रेणी में आते हैं। मानसूनी वनों को वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, अधिक वर्षा वाले आर्द्र मानसूनी वन और कम वर्षा वाले शुष्क मानसूनी वन।